सीएम योगी आज राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को फंड करेंगे ट्रांसफर। करीब 88 करोड़ से ज्यादा की राशि होगी जारी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से भी करेंगे संवाद। 1 अगस्त को पूर्वांचल को मिलेगी पहले रोपवे की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी करेंगे रोपवे का शुभारंभ। विंध्य कॉरिडोर योजना का भी होगा शिलान्यास। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की करीब 13 एकड़ जमीन पर बनी मस्जिद को गलत बताते हुए हटाने की मांग। दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की हुई बैठक। अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद हुए शामिल। मिशन 2022 की रणनीति पर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। बोले, चुनाव के वक्त कुछ पार्टियां चिल्लाती हैं जाती जाती। संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस पर किया पलटवार। बताया झूठ बोलने की मशीन। बदायूं में सगे भाइयों का दुस्साहस। प्रेमी के साथ कोतवाली आई बहन को उतारा मौत के घाट। थाने से थोड़ी दूरी पर ही घटना को दिया अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 50,000 का नामी सोनू डेढ़ा गिरफ्तार। सोनू पर दर्ज है हत्या और रंगदारी के कई मुकदमे। शाहजहांपुर में सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान। कहा, सपा की सरकार बनी तो फर्जी एनकाउंटर की जांच कराएंगे। भदोही में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने जाति की राजनीति पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग जाति वर्ग की बात कर सत्ता पाने के लिए सस्ते माध्यम का कर रहे उपयोग। सहारनपुर में बिना सूचना जिला प्रशासन की मीटिंग से गायब रहने वाले अधिकारियों पर डीएम ने की कार्रवाई। ऐसे अधिकारियों के वेतन रोकने का दिया निर्देश। चंदौली में आरपीएफ का महिला दस्ता लोगों को करेगा जागरूक। रेलवे संपत्तियों की चोरी से परेशान रेल प्रशासन ने लिया निर्णय। हाथरस में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने निकाली रैली। कोरोना काल में स्कूल खुलवाने की मांग। बीएसए को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के डीएम ने चार्ज लेते ही कसे अधिकारियों के पेच। कहा, जन जन तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हरदोई जिले के 36 ईंट भट्टों का संचालन होगा बंद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया आदेश। प्रशासन जल्द करेगी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में मनाया गया विश्व टाइगर दिवस। अभियान चलाकर वन कर्मियों को किया लोगों को जागरूक। बाराबंकी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। 4 एम्बुलेंस कर्मियों पर केस दर्ज। बाराबंकी में पुलिस से बचने के लिए पशु तस्कर समेत 3 लोगों ने पुल से लगाई छलांग। 3 हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में पुलिस ने एक महिला चैन स्नेचर के गैंग का पर्दाफाश कर दिया। मौके पर 3 महिला आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत करीब 45 लाख रुपए। सहारनपुर में प्रशासन ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाया अभियान। कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक बदमाशों को भेजा गया जेल। चंदौली के सदयराजा नगर इलाके में रेलवे संपार फाटक पर हुआ दर्दनाक हादसा। पिता के लिए दवा लेने जा रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत। नोएडा में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से कई दस्तावेज बरामद। बुलंदशहर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत। पुलिस बारिश की वजह से घर में घुस गया था पानी। अर्निया थाना इलाके की घटना। अमरोहा में 1 साल के मासूम बच्चे की मौत। मां ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप। बच्चे को बेचने की बात पर नौशाद से चल रहा था महिला का विवाह। कासगंज में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। सौतेले पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। तमंचा बरामद। सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान। प्रशासन ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। जिलाधिकारी ने कहा, जो भी मकान बारिश के कारण गिर रहे हैं उनके लिए सरकारी योजनाएं हैं। कासगंज में ऑटो लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में बदमाश ने कहा, सवारी बनकर देते थे वारदात को अंजाम। नोएडा पुलिस 3 वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुकी है। बदमाशों के पास से 4 कार और 8 बाइक बरामद। मास्टर का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देते। कानपुर में प्लास्टिक बॉटल फैक्ट्री में नाम पर अवैध चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री। क्राइम ब्रांच और पुलिस संयुक्त कार्रवाई में किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। गौतमबुद्ध नगर में जेवर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। अंगूठे का क्लोन बनाकर लाखों की ठगी को दे चुका है अंजाम। सहारनपुर में अवैध संबंध का राज खुलने के डर से महिला की हत्या। दोस्त की पत्नी के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। फरुखाबाद में गंगा नदी में चला नाव हादसा। बच्चे की गलती से अचानक चलने लगी नाव। पुल के खंभे टकराने के बाद क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
हरदोई में तमंचा लेकर खेत की पैमाइश कराने पहुंचा शख्स, सूचना के बाद पुलिस ने तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली के डीएम ने जिला पंचायत राजाधिकारी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, दो कर्मचारी मिले गायब, लचर व्यवस्था देख जिलाधिकारी हुए नाराज। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या, महिला के साथ अवैध संबंध की वजह से दिया वारदात को अंजाम, तीन आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पुलिस से फरार चल रहे दो गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ दर्ज है केस, कई वारदात को दे चुका है अंजाम। जौनपुर में तहसीलदार न्यायालय कक्ष में वकीलों कर्मचारियों में झड़प, वकील पर लगा बदसलूकी और मारपीट का आरोप। उन्नाव में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल के खिलाफ एक्शन, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में नहर में नहाने गए दो युवक डूबे, एक को बचाया दूसरा लापता, युवक की तलाश में जुटी राहत बचाव टीम। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में दो ट्रकों की आमने सामने से टक्कर, हादसे में एक की मौत, तीन जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में होटल के अंदर महिला की हत्या का खुलासा, अवैध संबंध के चलते दिया वारदात को अंजाम, 22 साल के युवक का 35 साल की महिला से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अयोध्या में चोरी के आभूषण खरीदने के आरोप में व्यापारी गिरफ्तार, मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए बदमाशों ने किया खुलासा, करीब 1 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद। सोनभद्र में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या, सेल्फी लेने के बहाने पानी के तेज बहाव में धकेला, पुलिस पूछताछ में किया खुलासा। उन्नाव में जनसार गांव के प्रधान पर मारपीट का आरोप, लगान नहीं जमा करने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का आरोप। ललितपुर में पति पर पत्नी को बंधक बनाकर पीटने का आरोप, नाबालिग बच्चे ने पुलिस को फोन कर दी जानकारी, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को दबोचा। कानपुर में 22 कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की जांच, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में सभी सुरक्षित पाए गए।